जारा को साइंस बहुत पसंद है। वो साइंस अपने आसपास की चीजों से सीखती है। ये है जारा का कमरा। इस कमरे में मौजूद हर चीज में साइंस है। यहाँ मौजूद हर चीज मैटर की एक स्टेट है, यानी ये हर चीज छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखें इसमें इसको, ये एक सॉलिड है। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स की तरतीब या अरेंजमेंट इस तरह होती है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक मखसूस तरतीब में रहते हुए एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। इसी वजह से ये अपनी जगह पर रहकर वाइब्रेट यानी थोड़ा सा हिल सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। दे डू नॉट मूव बट वाइब्रेट इन देयर प्लेस। इसी वजह से सॉलिड की मखसूस शक्ल यानी डेफिनेट शेप होती है और उनका वॉल्यूम भी मखसूस यानी डेफिनेट होता है। अगर इस मेज को उठाकर वापस इसी जगह रखा जाए तो ये उतनी ही जगह लेगी जितनी पहले ले रही थी। यानी सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जारा के कमरे का जायजा लें और बताएं यहाँ कौन कौन सी चीजें सॉलिड हैं। गौर से देखिएगा, यहाँ बहुत सारी चीजें सॉलिड हैं। जी हाँ, इस कमरे में मौजूद चेयर्स, टेबल, बुकशेल्फ, बेड, साइड टेबल्स, प्लेट, फ्रूट्स, जग और ग्लास सब सॉलिड हैं। जबरदस्त। अब देखें, इस जग में मौजूद पानी लिक्विड है। ये है लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की तरतीब। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, मगर इनकी मखसूस तरतीब नहीं होती। इसी वजह से ये सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स से थोड़ी ज्यादा हरकत कर सकते हैं और एक दूसरे के इर्द गिर्द स्लाइड भी कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोज टुगेदर विद नो रेगुलर अरेंजमेंट। दे वाइब्रेट, मूव अबाउट एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर। इस जग में मौजूद पानी जो कि लिक्विड है, इसकी अपनी कोई मखसूस शक्ल यानी डेफिनेट शेप नहीं होती। गौर करें कि ये जिस बर्तन में डाला जाता है उसी की शक्ल ले लेता है। जैसे कि इस पानी की शक्ल बिल्कुल जग की तरह है, पर इसे प्लेट में डालें तो ये प्लेट की शक्ल में आ जाएगा और ग्लास में डालें तो ग्लास की शक्ल का हो जाएगा। लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप। अब हम एक छोटी मगर मजेदार एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी के लिए आपको एक एम्प्टी यानी खाली ग्लास चाहिए और एक पानी का भरा हुआ ग्लास। अब पानी से भरे ग्लास में पानी की सतह यानी लेवल पर मार्कर से एक निशान लगाएं। अब इसमें से थोड़ा सा पानी दूसरे खाली ग्लास में डालें। वीडियो पॉज करें और ये एक्टिविटी करें। अब पानी को वापस पहले वाले ग्लास में डालें और बताएं आपने क्या देखा। जब आप पानी वापस पहले वाले ग्लास में डालेंगे तो ये उसी सतह तक पहुंचेगा जहां पहले था, यानी जहां आपने निशान लगाया था। इसका मतलब लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट यानी मखसूस होता है। जारा के कमरे में मौजूद जग में पानी और ग्लास में जूस दोनों लिक्विड्स हैं। कमरे में मौजूद इन बलून्स को देखें। इन बलून्स में हवा भरी हुई है। हवा गैस होती है जिसकी कोई मखसूस शक्ल यानी डेफिनेट शेप नहीं होती। यहाँ पर हवा ने बलून्स की शक्ल ले ली है
और गैस का वॉल्यूम मखसूस यानी डेफिनेट नहीं होता। इन बलून्स की हवा अगर छोटे कंटेनर में डाली जाए तो उसमें भर जाएगी और इन्हीं बलून्स की हवा अगर बड़े कंटेनर में डाली जाए तो उसमें भी भर जाएगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और बहुत तेज हरकत कर रहे होते हैं। अगर इन्हें जरा सी भी जगह मिले तो ये मॉलिक्यूल्स फरार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके वॉल्यूम में तब्दीली आ जाती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे मूव फ्रीली। ये हमने इस कमरे के जरिए मैटर की तीनों स्टेट के बारे में जान लिया है। क्या आपको पता है कि आपके आसपास भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की कई मिसालें मौजूद हैं? अपने आसपास की चीजों का गौर से मुशाहिदा करें और अपनी टीचर को मैटर की तीनों स्टेट्स की मिसालें बताएं। गुड लक।